बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ऑनलाइन क्लास। दिस इज़ योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम अलासद इस्लामिया मॉडल हाई स्कूल एंड कॉलेज तंगी, क्लास फोर्थ। आज हम पेज नंबर 15 की ट्रांसलेशन करेंगे। सो ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 15। हमने इससे पहले हमने पढ़ा था, स्टोरी में हमारे पास पिप है, वो अपने बारे में बताता है कि उसके वालिद का ख़ानदानी नाम फिलिप जबकि उसका नाम फिलिप है, लेकिन बचपन में वो ख़ुद को पिप कहता था। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों में से किसी को भी कोई भी नाम ख़ुद को नहीं कह सकता था। और वो कहता है कि स्टोरी में है कि वो अपनी बहन के साथ रहता है जो कि एक लोहार की बीवी है, और वो दरिया के पास समंदर से चंद मील दूर एक दलदली इलाके में रहते हैं। सो वो गिरजा के कब्रिस्तान में होता है और अपने माँ बाप की कब्रों को देख रहा होता है, उदास खड़ा होता है, और वो एक सर्द दिन होता है। इससे आगे अब हम पढ़ेंगे द ग्रे लैंड एंड द ग्रे स्काई मेड मी फील सैड। सुरमई ज़मीन और सुरमई आसमान ने मुझ पर उदासी तारी कर दी। ग्रे सुरमई, फील सैड उदासी तारी करना। आई सडनली रियलाइज्ड, मुझे अचानक एहसास हुआ, रियलाइज्ड एहसास हुआ, दैट आई वॉज एन ऑर्फन, कि मैं एक यतीम हूँ। ऑर्फन यतीम, एंड आई बिगन टू क्राई, और मैं रोने लगा। होल्ड योर नॉइस, शोर मत करो, क्राइड अ टेरेबल वॉइस, एक खौफनाक आवाज़ आई। टेरेबल खौफनाक, इट कैम फ्रॉम अ मैन, ये एक आदमी की तरफ से आई थी। हु हैड जस्ट स्टेप्ड आउट फ्रॉम बिहाइंड अ ग्रेव स्टोन, जो अभी अभी एक कदबे के पीछे से निकला था। ग्रेव स्टोन, कतबा, बिहाइंड के पीछे से, स्टेप्ड आउट, कदम बाहर निकालना, कीप स्टिल। खामोश रहो, कीप स्टिल, खामोश रहो, और आई विल कट योर थ्रोट, वरना मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। दिस मैन वॉज फ्राइटनिंग, ये आदमी खौफनाक था। फ्राइटनिंग, खौफनाक। ही वॉज ड्रेस्ड इन रफ ग्रे क्लॉथ्स, वो करदरे सरमई कपड़ों में मलबूस था। क्लॉथ्स, कपड़े। एक हमा सो स्टूडेंट्स पॉइंट टू बी नोटेड दैट क्लॉथ्स एक हमारे पास होता है क्लॉथ CLOTH, एंड दूसरा हमारे पास होता है क्लोथ्स। सो इन दोनों में आपको कोई डिफरेंस, स्पेलिंग वाइज तो इसमें डिफरेंस है, ये हमारे पास CLOTH ES है जबकि इसमें ES नहीं लगा हुआ साथ में। सो इनमें डिफरेंस ये है कि क्लोथ CLOTH सिर्फ कपड़े को कहते हैं जो सिला हुआ ना हो, और क्लोथ्स सिले हुए कपड़ों को कहते हैं, यानी कि बने हुए कपड़े। सो ये डिफरेंस आप अपने जहन में रखें। एंड ही सैड अ बिग आयरन चैन, एंड ही हैड अ बिग आयरन चैन ऑन हिज लेग, और उसकी टांग में लोहे की बड़ी सी जंजीर बंधी हुई थी। चैन, जंजीर, लेग, टांग। ही वॉज एन स्केप कन्वेक्ट, वो एक मफरूर मुजरिम था, या भागा हुआ मुजरिम था। कन्वेक्ट, मुजरिम। हिज शूज वर ब्रोकन, उसके जूते टूटे हुए थे। एंड ही हैड एन ओल्ड रैग टाइट राउंड हिज हेड, और उसके सर के गिर्द एक पुराना सा कपड़ा बंधा हुआ था। रैग, पुराना सा कपड़ा या चित्रा। ही वॉज डर्टी From being soaked in the muddy water from the ditches, वो नालों के गंदे पानी में भीगने की वजह से
गंदा हो गया था, सॉक्ट भीगने की वजह से सॉक्ट भीगा हुआ, डिचेस ना लिया। ही वॉज कवर्ड इन स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स एंड स्टोन्स। वो कांटेदार बूटों और पत्थरों की वजह से उसका सारा जिस्म खराशों से भरा हुआ था। कवर्ड का मतलब भरा हुआ था यहाँ पर। स्क्रैचेस फ्रॉम नेटल्स, नेटल्स बिच्छू पौधे जो कांटेदार पौधे होते हैं। स्क्रैचेस खराश। ही लिम्प्ड एंड शिवर्ड। वो लंगड़ाया या लंगड़ा रहा था एंड शिवर और कांप रहा था एंड ग्लेयर्ड और घूर रहा था एंड ग्राउल्ड और बड़बड़ा रहा था या गुर्रा रहा था। हिज टीथ चैटर्ड इन हिज हेड। उसके मुंह में उसके दांत बज रहे थे। चैटर्ड बजना। एज ही सीज्ड मी बाय द चिन। जैसे ही उसने मुझे टोड़ी से दबोचा। चिन टोड़ी, सीज्ड दबोचा। ओ डोंट कट माय थ्रोट सर, आई प्लीडेड इन टेरर। ओ मेरा गला ना काटिए जनाब, मैंने दहशत के आलम में दरख्वास्त की। प्लीडेड दरख्वास्त की। इन टेरर, टेरर मीन दहशत। टेल मी योर नेम, मुझे अपना नाम बताओ। सेड द मैन, आदमी ने कहा। क्विक जल्दी। पिप सर, पिप जनाब। वंस मोर, एक दफ़ा फिर। आदमी, सेड द मैन, आदमी ने कहा। स्टेरिंग एट मी लाउडर, मुझे घूरती हुए बुलंद आवाज़ में। लाउडर बुलंद आवाज़ में। इनके एक दफ़ा फिर, आदमी ने मुझे घूरती हुई कहा, बुलंद आवाज़ में मुझे कहा, यानी आदमी ने मुझे कहा कि बुलंद आवाज़ में बोलो। पिप पिप सर, पिप पिप जनाब। शो मी वेयर यू लिव, मुझे बताओ या मुझे दिखाओ तुम कहाँ रहते हो। सेड द मैन, आदमी ने कहा। पॉइंट आउट द प्लेस, जगह की तरफ इशारा करो। I pointed to where our village lay, a mile from the church. मैंने गांव की जायवकुआ की तरफ इशारा किया। ले जहाँ पर विलेज, ले जहाँ पर जहाँ पर तुम्हारा गांव पड़ता है, यानी कि उस तरफ इशारा किया मैंने। A mile from the church, चर्च से एक मील के फासले पर। That's all for today.